हाय व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और गाइस आज हम खेल रहे हैं वापस से माइनक्राफ्ट। और गाइस आपने मेरे दोनों पहले वाले और दूसरे वाले वीडियो को बहुत अच्छे से सपोर्ट दिखाया, तो थैंक यू फॉर इट। और आज थर्ड वीडियो, मैंने रिकॉर्ड तो बहुत सारे वीडियो की पर एडिटिंग में थोड़ी मिस्टेक वगैरह हो जाने की वजह से वो मैं अपलोड नहीं कर पाया, पर वो अभी छोड़ो ना, आज की वीडियो पर बात करते हैं हम। और गाइस आज मैं अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और आपको तो सिर्फ लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ डायमंड्स को खोजा है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बार अपना पूरा पहले वर्ल्ड दिखा देता हूँ। पहले मैं फर्स्ट पर्सन मोड ऑन कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो सेटिंग्स में वीडियो में जाके ये जो बार आता है इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब थर्ड पर्सन बैक और फर्स्ट पर्सन फॉरवर्ड, ऐसा मतलब जो भी तीन एंगल है कैमरा के वो। और गाइस ये 40 चेस्ट जो देख रहे हैं, मैंने एक सीक्रेट बेस बनाया, उसको भी रिकॉर्ड किया था, वो भी एडिटिंग में। मतलब भाई मेरे साथ बहुत आजकल गंदे सीन हो जाते हैं। इतना अच्छा वर्ल्ड है पर मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो आज मेरे मन में आया कि एक्सप्लोर करें। वैसे एक्सप्लोर करने का नहीं था, सीरियसली कंटेंट की कमी हो रही थी, मजाक कर रहा हूँ गाइज। और गाइज मैंने बहुत सारे टॉर्चेस लगा दिए कि मेरा एक्सपी फार्म अच्छे से काम करे। मेरे पास 2 एक्सपी फार्म है। ये आपको पहला इंट्रोडक्शन मेरे वर्ल्ड के बारे में। मैं पहले बैकपैक खाली कर लेता हूँ। और मैंने स्किन दिखाने के लिए पूरा आर्मर निकाला, यह नया फ्रेश आर्मर है मेरे पास। आयरन ओर है, इनको स्मेल्ट कर देता हूँ। आयरन ओर की तो भाई कमी नहीं है, मेरे पास 34 ब्लॉक्स और ये 21 ऐसे खुले आयरन, मतलब आयरन इंगेट्स, क्या बोलूँ भाई अब। तो आज मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपने वर्ल्ड को, ज़्यादा कुछ नहीं। विलेज ढूंढने का ट्राई करेंगे। यार ऐसी घटिया जगह पर स्पॉन हुआ, मतलब लक इतना अच्छा है पर विलेज ही नहीं है। मैं कभी एक्सप्लोर करने गया भी नहीं, वैसे गलती मेरी है, मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। मैं एक बार कोऑर्डिनेट्स का अपना फ़ोटो निकाल लेता हूँ, स्क्रीनशॉट आई मीन। इसको चीटिंग नहीं बोलते बाय द वे, भूल गए तो क्या करेंगे, मेरे पास कौन सा रोबोट नहीं है याद रखने को। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, एक स्टेप कोबलस्टोन का लेके जाऊँगा अभी, 20 कोबलस्टोन लेके जाने वाला हूँ। और मैं प्लैंक्स भी लेके जाऊँगा थोड़ा, और वुड तो है। और गाइस मैं आपको एक मेरा सीक्रेट स्टोरेज कंपार्टमेंट दिखा लेता हूँ। मेरे को लग रहा है पीछे बहुत सारे मॉब्स होंगे, मैंने उनके लिए टॉर्चेस लगाई है। और गाइस मैं अभी सोच रहा हूँ किधर जाऊँ, उस जंगल में तो टॉर्चेस लगाने के वक्त मैं गया था, और जब एक्सपी फार्म बना रहा था तो देख लिया कि उधर कुछ नहीं है, इधर भी बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं होगा यार। और इधर किधर तो भी मेरा सीक्रेट बेस है इधर, भाई मेरा ही लॉल हो जाता है यार हमेशा। इधर भी हाँ इधर है। तो गाइस ये छुपाने की जगह आपको कैसी लगी, कारपेट के नीचे कोई इमेजिन भी नहीं कर पाएगा किसी का सीक्रेट बेस होगा। मैंने नहीं टॉर्चेस तो लगाई होगी ऑब्वियसली। अच्छा इसको बंद क्यों नहीं हो रहा यार, ओ नो मैंने इधर जगह ही कम बना दी होगी। अब तो हो जा भाई मेरे, हाँ मेरे को नीचे डालने को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे पास बहुत सारी एक्सपी तो नहीं पर बहुत सारा सामान है, डर क्या आ गए जीत है, कोई स्पॉन नहीं हुआ होगा भाई, बहुत टॉर्चेस है। तो गाइस मैंने इसी पैटर्न को सेम फॉलो करना है इधर सारी जगह। इसके लिए मैंने 40 चेस्ट बनी थी। और आपको ये पैटर्न कैसे लग रहा है भाई, दिमाग बहुत गया है मेरे को इसको बनाने में, और हाइड करना भी बहुत ईजी था। मैंने इस इधर किधर तो भी स्पॉनर है। और मैं कल ऐसे ही घूम रहा था एक माइन में, तो मैंने ग्रेवल को थोड़ा सा एरो मार दिया क्योंकि मेरे को उधर स्केलेटन और ये क्रीपर दोनों दिख गए डर में, मैंने मार दिया और मैं पूरा नीचे गिर गया। और इतने सारे ज़ॉम्बीज मरने का आवाज़ आया और मेरे को दिख गया स्पॉनर, भाई अब मैं उसका भी एक्सपी फार्म बनाऊंगा। तो इनको मैं जल्दी से लगा देता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं, और सीधा जाएंगे अपने दोनों घोड़ों के साथ दिया। और परफेक्ट नंबर के चेस्ट लाए थे, बस एक कमी हो गई, एक इधर क्योंकि इधर एक टॉर्च लगा दिया इधर और इधर। तभी मैं सारे स्टोरेज करूँगा, और उधर एक फर्नेस भी है क्राफ्टिंग टेबल इस चेस्ट के अंदर। अरे बाप रे, पानी की बकेट ले लेता हूँ अभी, जो फालतू की चीज़ें जो नहीं। आयरन इंगेट क्या कर रहा है भाई, आयरन के मैंने बोला ना गाइस कभी है ही नहीं, बहुत आयरन है। वो 3 चेस्ट इधर भी है,
मैं इस कारपेट कारपेट को क्यों रख रहा हूँ, स्ट्रिंग्स रख देता हूँ। मैंने कभी अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज भी नहीं किया है गाइस। चेस्ट के लिए इतनी जगह बना ली, इन्वेंट्री के लिए कुछ करना पड़ेगा। और मैं ऊपर के साइड और टॉर्चेस लगा देता हूँ क्योंकि, और ऊपर के लेयर में मैंने चेस्ट इसलिए नहीं लगाए क्योंकि अगर ऊपर के लेयर में चेस्ट होंगे, सॉरी ऊपर के लेयर में अगर चेस्ट होंगे तो ऊपर वाले चेस्ट खुलेंगे नहीं। तो अब जल्दी से जाते हैं, नहीं तो देखा तो क्रीपर स्वागत करेगा अपना। क्रीपर के स्वागत की अभी ज़रूरत नहीं है। ओ भाई क्या, अबे खुल, अरे मैंने क्राउच किया हुआ है, डर लगता है। अबे भाई क्या कर रहा है, तो ये किया और इसको मेरे को एक स्टेप नीचे ले लेना चाहिए था। वैसे उससे कुछ प्रॉब्लम तो हुआ नहीं, बस लगाते वक्त क्राउच करना पड़ता है। और हम एक एपिसोड में नदर में भी जाएंगे गाइज। तो अभी मैं सीधा चेस्ट को अच्छे से इन्वेंट्री को मैनेज करता हूँ और सीधा अपने घोड़े पे मिलता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता। मैंने अपनी सिल्क टच वाली भी ले ली, इसको मैंने रिपेयर कर दिया था गाइज। इसकी डैमेज बहुत हो गई, मतलब डैमेज यह बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। इसमें एफिशिएंसी है, सिल्क टच है और अनब्रेकिंग 3 है, मतलब बहुत सही। मैं आपको बोला था घोड़े पे मिलूंगा। और मैंने इधर एक अपने खुद से बनाया हुआ एक हैक यूज किया है, नीचे टॉर्च रख दी और उसके ऊपर ये मस्त धुआं आता है उसके अंदर से, और धुएं के साथ साथ रोशनी भी हो जाती है। तो गाइस मैंने वो जो बेस बनाया है लीवर, मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए लगा दिया था। मेरे पहले तो मेरे पास सिर्फ दो ही चेस्ट थे, तो मेरे पास इन्वेंट्री में और चेस्ट में दोनों में जगह नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कुछ तो भी जुगाड़ किया था वो। और मैं कौन सा घोड़ा लेके जाऊँ, मेरे को वो ज़्यादा सुंदर लगता है इसलिए। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं एक काम करता हूँ इस घोड़े पे, अभी मैं बैठ गया, इसकी हेल्थ थोड़ी कम है। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके लिए सामान ले लेता हूँ, वो गलती से अंदर चला गया है। सामान मतलब वही वीट। ओ भाई अच्छे से काम कर रहा है अभी, मेरे को पहले अच्छे से काम नहीं करता था। भाई क्रीपर है, फूटो फूटो मत, कभी कभी डर लगता है भाई फूट जाते तो। तो इससे सामान भी मिलते रहते हैं और उसके पास रहना पड़ता है। पर पॉकेट एडिशन में अगर आप वो बना रहे हो, वैसे वो तो बहुत बेसिक वाला है। एक और मैंने बनाया है, वो मैंने खुद से मतलब थोड़ा ऐसी रिसर्च की और थोड़ा खुद का दिमाग लगा के बनाया वो। तो फिर मैंने उसमें क्या किया, अंडरग्राउंड बना दिया, मतलब ज़्यादा मॉब्स बनेंगे। पर उसका भी कुछ ऐसे ही हाल है, इसलिए मैं अभी स्पॉनर वाला बनाने वाला हूँ। बस वो स्पॉनर के कोऑर्डिनेट्स मैंने फ़ोटो नहीं खींचा उन कोऑर्डिनेट्स का। और गाइस मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी ही हमको विलेज मिल जाए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो विलेज ढूंढना तो कुछ आसान काम तो है नहीं, बहुत मतलब 1000-2000 ब्लॉक्स ट्रैवल करना पड़ता है हमको विलेज ढूंढने के लिए। देखते हैं, बस हो गया होगा इसके लिए खाना, बुक्कड़ है भाई। तो 53 वीट बहुत है। तो पोलका डॉट वाला ने राइड, और गाइस मैंने पहले फ्लो फ्लो में इसको मार ही दिया था, मतलब पूरा नहीं मारा यार जान से। तो मैं इस साइड जाने वाला हूँ और मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पहले ही जंगल है, खो जाएगा तो मेरा सैडल भी खो जाएगा। घोड़े की भी चिंता है वैसे भी मेरे को। अः भाई एक को लीड, किधर भाग रहा है गाइस? ये घोड़े बिल्कुल लॉयल नहीं होते, ज़रा सा खुला छोड़ दो भाग जाते। सॉरी मारना नहीं था तेरे को, तो मैं पैदल ही इधर से जाऊंगा अपने वो खतरनाक तलवार। ये नहीं भाई, इसमें तो सिर्फ स्माइट है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ हो। तुम उधर डिस्पॉन हो जाओ, स्पॉन हो जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। हम इधर जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा नहीं मिला तो मैं नहीं भाई, मेरे को चाहिए कुछ ना कुछ, विलेज ही चाहिए सिर्फ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओ भाई लामा फंस चुका है, लामे ओ नो, इसके हाथ में ट्राइडेंट है नहीं, फिर भी मारूंगा मैं इसे। ए भाई ज़्यादा बोल मत, तू मैं तेरे को मारने वाला हूँ।
इसकी हेल्थ बहुत कम। व्हाट गाइस, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने को कि मेरे को विलेज मिल चुका है। गाइस गाइस, मेरे को कोई अंदाजा नहीं था इधर विलेज हो सकता है। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूँ गाइस? उसको छोड़ो, इधर एक केव भी है। केव में जाए क्या? सामने विलेज है, मैं पूछ रहा हूँ गाइस, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने विलेज को ढूंढने का ट्राई भी नहीं किया अभी तो। अभी तो मैंने सिर्फ बारिश घर के इतने पास, अगर आपको विलेज मिल जाए वो भी बिना पता हुए, तो गाइस ऐसी खुशी आपको बोर्ड्स में 100 मार्क्स लाके भी नहीं मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। और छोड़ो भाई, विलेज विलेजर्स तो होंगे ना भाई? हाँ, चमक दिख रही है। वैसे कौन सी चमक है ये क्या चीज होती है? मैंने अपना बहुत कीमती कीमती सामान। ओ भाई विलेजर भी, ओ भाई ब्रूइंग स्टैंड, ये नॉर्मल पिकेक से भी मिल जाता है। ओ भाई ये तो भाई बहुत सही सीन, जब रेड होगी तो इधर से। ओ भाई साहब, गाइस मैं इतना खुश हूं कि मैं बता भी नहीं सकता। ओ नो गाइस, मैं मेरे को सीरियसली कोई अंदाजा नहीं था इधर एक लैडर मेरे पास नहीं है। और भाई मैं इस ब्लूरिंग स्टैंड को तो लेके ही जा रहा हूँ। अच्छा हुआ मैंने अपने सिलिकॉन चोली पिकैक्स लेके आया है भाई, ये तो एक हिट में आ गया। और मैं बारिश रुकने का वेट कर सकता हूँ भाई। ये कौन है मंदे? तू क्या दे रहा है मेरे को? हाँ क्या दे रहा है भैया? क्या कलरफुल पैंट डाय लगाया है? ओ भाई फ्लिंट के बदले एमराल्ड, मेरे को खुद को फ्लिंट चाहिए पागल मनुष्य। ओ भाई साहब, गाइस मैं इतना खुश कभी नहीं रहा होगा। ओ भाई स्मूथ स्टोन मेरे को नहीं चाहिए, बाय द वे मेरे घर पे नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे घर पे नहीं है। ओ नो सॉरी, ये प्रेशर प्लेट लगाया करो यार। ओ भाई ज़ोंबी का आवाज़। ओ भाई अबे इधर मैं रिस्पॉन्स पॉइंट भी नहीं सेट करने वाला क्योंकि मेरा घर पास में ही है, पता है मेरे को। फिर भी यार घर पे स्पॉन है क्या? अगर मरे तो रिस्पॉन्स पॉइंट सेट नहीं करना। ओ ये अनएम्प्लॉयड है, एक काम करता हूँ इसको बंद कर देता हूँ, इधर ही निकल मत बाहर। हाँ ये डिस्पॉन नहीं होते, मेरे को पता है, आई हैव बिग ब्रेन। घर के अंदर तुम जाओ, मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। दो विलेजर्स भी मिल गए तो बहुत है। हाँ चलो अभी अभी तुम लोग कुछ भी करो, रेड आएगी। ओ इधर घोड़े भी है, वाह। ओ भाई चेस्ट, गाइस क्या हो सकता है? इससे गंदी लूट मेरे को किसी चेस्ट ने नहीं दी। मेरे को ब्रूइंग स्टैंड मिल गया, बहुत हो गया। बिना माइंड शाफ्ट के अगर ब्रूइंग स्टैंड चाहिए हो तो विलेज ढूंढ लो गाइस आप भी। प्रो ट्रिक टिप आई मीन भाई, चेस्ट रखो घर पे यार भाई। फिर भी चेस्ट में कुछ लूट हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ओ भाई मेरे पास बहुत सारे रॉक ऑर्ड्स हैं, मैं उस कैट को भी टेम कर सकता हूँ। इधर तो बहुत सारे हैं, मैं अपने घर से लेके अभी नहीं आ सकता यार, बहुत टाइम लग जाएगा। एक और चेस्ट मैं आज ज़रूर टेम करूँगा पर उन्हें बाद में। वो भी ब्रेड, इतने आलू तो मैं उगाता हूँ फिर भी नहीं मिलते। सैपलिंग्स मेरे को नहीं चाहिए, घर पे 40 पड़े हैं भाई। भाई सिर्फ मैं खाना लूटने नहीं आया, मैं इन विलेजर्स को भी लूट के लेके जाऊँगा। और गाइस मेरे जब मेरे पहले घर बनाया था ना अपना, वो ऐसा घर था, मतलब मैं तब नूप था तो मुझसे वो घर भी ढंग से नहीं बना था। तो ऐसे कुछ करता, इस घर में मैं आ गया हूँ ना, नहीं आया। सारे ब्रेड्स दे दो, मैंने गलती से आलू रख दिया। और गाइस अगर मेरी तरह आप भी एंड्रॉयड के प्लेयर्स हो ना, तो किसी भी चीज़ पे डबल टैप करोगे ना तो उसके आसपास में, मतलब आपके इन्वेंट्री में अगर वो होगा तो आपको वो अपने आप मिल जाएगा। तो गाइस आज ही मैं अपने विलेज
इस विलेज से अपने घर पे एक डब्बा बनाऊंगा, मतलब बहुत बड़ा, 40x40 ब्लॉक्स का। उसके अंदर उन विलेजर्स को रख दूंगा, उनके लिए ज्यादा कुछ काम नहीं करने वाला मैं। और मेरे को लगता है अभी मेरे को घर पे जाना चाहिए, थोड़ी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए अपने विलेजर्स के लिए। ओ, मैंने गलती से सिल्क टच वाली से तोड़ दिया। गाइस, मेरा मन कितना खुराफाती है ना। मेरे अभी मन में आया कि अगर मैं हो करूं एक जमीन को, अभी मैंने गलती से ये तोड़ लिया तो मेरे को ग्रीन ब्लॉक मिलेगा। यह सिल्क टच है, अनब्रेकिंग 3, इससे कुछ इसको ज़्यादा डैमेज भी नहीं पहुँचते कभी कभी, इससे ये मिल गया। और अगर मैं हो करूँ तो वो हो वाली ज़मीन मेरे को मिलेगी या नॉर्मल? तो मैंने पूरा गांव तो नहीं लूटा अभी तक भाई। कॉबल स्टोन तोड़ना कितना इजी हो चुका है इससे। मैंने अभी ऐसा तोड़ा ना तो मेरे को मेरे भाई की याद आ गई, जब मतलब याद आ गई, मतलब मेरा भाई भी ऐसा ही करता है, कुछ भी तोड़ देता है किसी से भी। मतलब जब उसको विलेज मिल जाता है तो वो विलेज के अंदर के कॉबल स्टोन तोड़ के लेके जाता है। तो भाई मैं अभी कल सुबह ही लेके जाऊंगा अपने विलेज, मतलब अपने घर पे भी कल सुबह जाऊंगा और विलेजर्स को भी लेके भी। भाई इतना भी ऊंचा उगता है? मेरे को तो लगा सर सिर्फ 4 ब्लॉक तो भी उगता है। आई मीन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। बहुत खुश हूँ पर भाई कितना, मैं 4-5 हज़ार ब्लॉक दूर क्यों? मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा, नहीं तो ज़ोंबीज दरवाजा तोड़ दे लेंगे। मैं ही खोल देता हूँ भाई, आओ मारो, मैं नहीं डरता। और जो चीज़ मेरे को नहीं करनी थी वो मैंने कर दी। मेरा घर इस डायरेक्शन में है ना या नहीं? भाई पानी के अंदर बहुत सारे मॉब्स हो सकते हैं। मैं शुगर कैन क्यों कर रहा हूँ? मेरे पास ऑटोमेटिक वाला फार्म है शुगर कैन वाला। ओ भाई, इन्होंने तो ब्रिज बना रखा है। अच्छा है, मैं किस साइड से आता मेरे को वो भी नहीं पता। ओपी की गिर गया पागल। मैं थोड़े ही पोटैटो लेके चला भाई, तुम लोग की खेती बाड़ी कर लो, मैं कुछ नहीं करके देने वाला। मैं किस साइड से आया था? ओ नो गाइस, मैं भूल गया मैं किस साइड से आया था। ये मेरे को उधर से दिखा था। हाँ याद आया, याद आया, मेरे को रिकॉर्डिंग वापस देखनी पड़ेगी मैं किस साइड से आया था। भाई डार्क ओक वाली साइड से आया था मैं, इधर से मतलब। पर गाइस मेरे को सही में बिलीव नहीं हो रहा, मैंने 3-4 दरवाजे लॉक कर दिए हैं, जिससे क्या हुआ है कि विलेजर्स डिस्पॉन तो कभी होते नहीं है। खतरा है, खतरा। इधर से मैं ब्रूइंग स्टैंड भी लेके चला। और डार्क वो किस साइड है? सॉरी, उस साइड है। भागो ना घर पे, इधर कौन सा शो देख रहे हो तुम? गाइस मैं सीरियसली भूल गया मैं किस साइड से आया था। हाँ ये घोड़े भी दिखे थे मेरे को आते वक्त। हाँ इधर से आया होगा भाई, मेरे को सीरियसली नहीं समझ रहा। वो विलेजर उधर है, ऊपर घर तो नहीं था जहाँ से मैं आया। इतनी सारी हेवेल्स से मैं हेवेल्स लेके जाता हूँ। वो फार्मर है ना भाई, तू वीट में ट्रेड करेगा क्या मुझसे? दिल्ली में तेरे लिए वापस कभी आऊँगा। ओ भाई वो उधर कैप्चर है बिल्ली, तो मैं उसकी को लूंगा। एक कुछ तो भी ऐसा ये रहता है इसमें, वो एडवांसमेंट जैसे पीसी में रहता है ना, वैसे एंड्रॉयड में कुछ कुछ तो भी रहता है यार। मेरे को इतना कुछ, मैं बहुत नर्वस हूँ अभी, मतलब इतने दिनों से कुछ मिल रहा नहीं था और वो आज मिल गया, तो उनके लिए अब मैं घर बनाता हूँ। और गाइस मैं कुछ तो भी करके अपना घर ढूंढ लेता हूँ। मैं पहले घर पे पहुंच गया और मैं एक विलेजर के लिए चेम्बर बनाने वाला हूँ। अभी मेरा प्लान तो कुछ और था, इतने सारे कॉबल स्टोन है, मैं पहले खाना स्टोर कर लेता हूँ अपना। सॉरी, ऊपर वाले चश्मे खाना है तो मेरे पास ब्रेड मिले ना मेरे को अभी,
पोटैटोज, हे बेल्स, बहुत अच्छा, सामान मिल गया पॉइजनस पोटैटो का, मैं क्या करूँ भाई। और ये उधर मस्त यह है, तो जब मैं विलेजर्स को लाऊंगा अगली वीडियो में, तब मैं उधर बिल्ली को भी लाऊंगा। मेरे पास एक स्टैक रॉ कॉर्ड्स है, उसको जितना चाहिए मैं उतना ही खिलाऊंगा भाई। तो ये वीट भी रख देता हूँ, मैंने थोड़ा वीट भी चुरा के लाया हूँ उनका। और जल्दी से घर बनाने के लिए मैं सामग्री लेके आता हूँ, मतलब ये करता हूँ। और गाइस मेरे को बिल्ली नहीं आ रहा, मेरे को ब्रूइंग स्टैंड मिल गया, पर उसका फ़ायदा क्या है मेरे पास अभी ये नहीं है। पर मैंने इधर ही अभी उसको टेम्प्ररी लगा दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इधर से जितने कॉबल स्टोन चाहिए वो कॉबल स्टोन बना लेता हूँ, और मेरे को कुछ और चाहिए तो वो कर लेता हूँ, और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अब मेरे मन में आया कि मैं कुछ अलग करता हूँ, मतलब कुछ अलग मतलब थोड़ा ही अलग करने वाला हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, स्मूथ स्टोन से स्टोन ब्रिक बनाऊँगा, और उससे चार ऐसे वॉल्स खड़े कर दूँगा, और उसके अंदर विलेजर्स को लगा दूँगा, आयरन डोर्स ही होंगे उनके लिए भी। तो मैंने इधर एक स्टैक डाला था, इधर एक स्टैक और इधर एक स्टैक, और अभी के लिए मेरे को और मतलब चाहिए ना थोड़े, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं थोड़े कॉबल स्टोन इधर से और लेता हूँ, मतलब लेने की ज़रूरत नहीं, इन्वेंट्री में और 3 स्टैक है, पर मेरे को उनको अभी इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल को ये दो और मैं फर्नेस बना ही लेता हूँ, अभी 3 बना लेते हैं, अभी कॉबल स्टोन की थोड़ी कमी है मेरे पास। एक इधर और सो सॉरी, ऐसे क्यों लग जाते हैं। और गाइस मैं अपनी ज़्यादा सिलिकॉन वाली पिकैक्स को यूज़ नहीं करता, वो कुछ एकदम इम्पोर्टेंट सामान हुआ तो ही मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं इनमें सब में फ्यूल भी भरना पड़ेगा, मैं भूल गया, एक स्टैक कोल है ही मेरे पास। मैंने किसी का निकाला क्या कोल? एक स्टैक तो मेरे इन्वेंट्री में ज़्यादा नहीं होता। नहीं निकाला भाई, अच्छी बात है। तो एक काम करता हूँ, इसमें भी कॉबल स्टोन भर देता हूँ, और मेरे को लगता है इतने बस होंगे। तो इधर एक स्टैग और कोल है भाई, कोल की कमी नहीं है मेरे पास। तो इधर और ये इधर, तो मैं ये सारे कुक होने देता हूँ और आपसे मिलता हूँ। एक स्टैक तो स्मेल्ट हो गया था, तो मैंने उससे बना लिया, मतलब 42 और हो गए थे। इसमें भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है, और ब्लास्ट फर्नेस में ये होता नहीं, मतलब मेरे पास फर्नेस ही एक ऑप्शन है। और अभी मैंने अपने इस ब्रूइंग स्टैंड पे मैंने अभी मैग्मा क्रीम डाला, और उस मैग्मा क्रीम से बनता है फायर रेजिस्टेंट का पोशन। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बॉटल में भरता हूँ, और मेरे को सिर्फ देखना है कि बिना इसके वो नेदर कॉर्ड शाफ्ट, मतलब क्या कुछ तो भी रहता है वो, उससे बनता है क्या? नहीं, उससे पहले हमको ऑकवर्ड पोशन बनाना पड़ता है, और फिर हमको बनाना पड़ता है। मेरे को वही चेक करना था, बहुत टाइम लगने वाला है गाइस, मैं तब तक रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता, पहली बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो चुकी है पहली विलेज के इधर ही। अभी वो हो रहा है मेरे उधर स्मेल्ट, तब तक मैं नीचे आ रहा था अपने एक्सपी फार्म के लिए, और इधर मेरे को स्लाइम और एंडरमैन और स्पाइडर तीनों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो देखते इधर कोई है या नहीं, और स्पाइडर का तो बहुत आ रहा है, और क्या करूँ भाई, डर लग रहा है, स्लाइम से क्या डरना वैसे भी। किधर है तू वैसे, वो बता दे बस। ये रहा भाई, एंचांटेड है, कौन से एंचांटमेंट पर, किधर है किधर है, अच्छा इधर है। ये मारते नहीं है, फुकट की स्लाइम मिलती रहती है यार। इधर आ जाओ अभी, जल्दी जल्दी गिरो, मेरे को ऐसा लग रहा है ऊपर टॉर्च रह गई है, नहीं तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं दोनों भी। यार कुछ नहीं हो रहा आज अच्छे से, ये 64 बन गया, और मैं नीचे इधर गया था अपने फार्म के अंदर, उधर क्रीपर स्पॉन हो गया, मतलब कुछ भी चालू है मेरे वर्ल्ड में। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ वापिस सर, तो गाइस मैं अभी आपको मिलता हूँ सारा सामान कलेक्ट करके। पागल हूँ, ये सिल्क टच के पिकैक्स से मैंने इतने सारे एक स्टैग ये निकाल के रखा था, और मैं इतना टाइम पास कर रहा हूँ, और जैसे मैंने रिकॉर्डिंग चालू की बारिश होने लग गई, मतलब भाई
तो मैं अभी कल बारिश जाने पे ही बनाता हूँ। और गाइस मैं आज की वीडियो को इधर ही एंड कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहे हैं, मतलब अब तो सारे हो चुके हैं। पर आज की वीडियो में हमने फाइनली विलेज को ढूंढ लिया यार, मतलब बहुत सही सीन था वो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।